शुरू से ही अपनी जो एजुकेशन है ये सेंट जेवियर स्कूल है, एक राजनिवास मार्ग में, वहाँ से की है। वो एक्चुअली एक प्राइवेट स्कूल है, तो वहीं से मैंने अपनी पूरी शुरू से, पहली से लेकर बारहवीं तक, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक, वहीं पे अपनी पूरी एजुकेशन कम्प्लीट की है। अपने टेंथ में जब पास की, तो टेंथ के अंदर एक लोग स्टूडेंट को डर रहता है कि हमारे मार्किंग कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, प्रैक्टिकल होंगे तो हमारा कैसे आएगा, तो टेंथ में तुम्हारी मार्किंग कैसी थी? अरे टेंथ में जब अपने एग्जाम दिया तब तो कहते हैं CGPA का रूल आ गया था, तो मेरी 10 CGPA आई थी, 10 CGPA आई थी। तो मैंने बस ये था मेरा कि मतलब जो मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मतलब टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वैसे होती भी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आगे आपको क्या फील्ड मिलेगी और आप मतलब आगे जाके क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने उससे उसी हिसाब से फिर मेहनत भी करी थी टेंथ में, ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ सकें और मैं अपनी मन मर्जी की साइंस फील्ड 11th में जाके ले सकूँ। कि वैसे मेरे को सबने बता रखा था कि मतलब कि अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसमें फिर 11th में आप अपनी चॉइस की स्ट्रीम ले सकते हैं। तो मेरा मतलब पहले से ये था कि हाँ मेरे को एक PCB जो है, क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कम से कम वो चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब मोटिव ये था शुरू से कि मतलब मैं मतलब डॉक्टर बनने का मेरा मतलब पहले से ही मतलब मन में था। मतलब पहले से मेरा ये था कि मतलब जो सोसाइटी है उसके लिए मेरे को कुछ करना है और लोगों की मदद करनी है। तो फिर उसी तब से ही मेरे मन में आया कि मतलब डॉक्टर बनना है, उसके लिए फिर मेरे को पहले से ही मेरे को लगा कि मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर मेहनत करी 10th में, और उसके बाद मेरे को फिर PCB मिल गई 11th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और वैसे मेरे पे मैथ्स भी थी, वैसे तो मैथ्स फिर में कंपलसरी थी, तो मैंने चारों ही सब्जेक्ट जो लिए थे वो सारे ही मैंने करी। अच्छा, ये धारणा कैसे पैदा हुई कि मैं जो सोसाइटी है उसकी सेवा करनी है और समाज की सेवा करनी है, तो ये अपने अंदर धारणा कहाँ से पैदा हुई? देखिए जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी गरीबी है, कितनी मतलब लोग मतलब कैसे कैसे जी रहे हैं। अब हम ये गवर्नमेंट का भी देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट भी सभी लोगों के लिए कुछ मतलब सब कुछ नहीं कर पाती है, तो फिर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपनी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ भाई हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कि मतलब जो सोसाइटी है, हम अपनी तरफ मतलब जो ऐसे लोग हैं जो मतलब के जो मतलब संपन्न लोग हैं उन्हें मतलब ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब जो अपने से कमज़ोर लोग हैं उन्हें मतलब उनके लिए कुछ करें, है ना। तो मेरा भी यही था कि मतलब मैंने इतने लोगों को देखा, मतलब इतना सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि अब इनके लिए भी मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, तो तब से मेरे को ऐसा लगा। अच्छा, बारहवीं जब आपने की, 11th करने के बाद बारहवीं की, तो बारहवीं में आपकी क्या परसेंटेज रही? बारहवीं में मेरी 94% मार्क्स आए थे मेरे, मतलब CGPA मतलब नहीं, तब तो बोर्ड सिस्टम था 12th में, तो फिर बोर्ड्स में मेरे 94% मार्क्स आए थे। तो ये जब आपने MBBS, ये जो MBBS का रिटन जो एग्जाम देने की बात थी, तो ये आपको ये MBBS करने की ये गाइडेंस कहाँ से मिली? जी गाइडेंस तो मैंने जैसे बताया कि मतलब मेरे को पहले से ही ये था कि मतलब डॉक्टर ही बनना है, तो फिर तभी मैंने 10th में भी मेहनत करी, उसके बाद फिर 11th-12th में मेहनत करी, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो MBBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें मेन आपके यही जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायो, तो ये तीन सब्जेक्ट होते हैं, और बायो को फर्दर डिवाइड कर देते हैं बॉटनी और जूलॉजी में, तो मतलब बेसिकली चार सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उसी में मैंने मेहनत करी और फिर मैंने एंट्रेंस दिया, वो क्लियर हो गया भगवान। क्या ये आपने भी भगवान की दुआ से ये CPMT का एग्जाम, या मतलब क्या बोलते हैं इसको कि सेंटर CPMT? जी ये अब तो फिलहाल नीट हो गया है, नीट, हाँ, एक ही मतलब एक ही संस्था इसका एग्जाम, सेंट्रलाइज हो गया, नीट है। पहले हमारे टाइम में APMT हुआ करता था, तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो मैंने APMT के थ्रू दिया था ये 2014 में, तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो उसकी वजह से मेरे को दिल्ली में मेरे को एडमिशन मिल गया। आपने BHU का भी दिया, AMU का भी दिया, और ये आपने दिल्ली में एडमिशन लिया, तो आपने दिल्ली को ये क्यों चुना? क्योंकि BHU को बहुत अच्छा बताते हैं, AMU को बहुत अच्छा बताते हैं, तो आपने दिल्ली को ये प्रेफरेंस क्यों दिया? जी देखिए, एक तो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, तो इसमें जो है आपके जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी हॉस्पिटल हैं वो उनकी फैसिलिटी और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तो और हमारे यहाँ की फैकल्टी भी, जो दिल्ली की जितनी भी कॉलेज हैं सारी बढ़िया हैं,
और यहाँ पे ऐसा है कि मतलब जितनी भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े केसेस होते हैं वो सारे यहीं पे रेफर कर दिए जाते हैं। जी तो फिर जितने भी लोग आते हैं तो उससे एक हमें एक्सपोजर भी मिलता है, मतलब जितने भी पेशेंट आएंगे तो हमें मतलब ज़्यादा सीखने का एक मौका मिलता है, तो हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो हम इसीलिए कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा सीख पाऊँ तो इसीलिए मैंने दिल्ली को प्रेफर किया। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की भी बात है कि मतलब यहाँ दिल्ली में ही सिर्फ अच्छे कॉलेज हैं और अच्छे हॉस्पिटल हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब पूरी इंडिया में जो हैं जितने भी हैं एक अच्छे कॉलेज हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, ताकि लोगों को मतलब सफ़र करके यहाँ पे ना आना पड़े। अब आप एम्स का ही हाल देख लीजिए, एम्स में लोग क्या कहते हैं, उनको डेट्स ही इतनी एक एक दो दो साल की मिलती हैं, किसी का मतलब कीमोथेरेपी होना हो या यहाँ तक कि बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड है उसके लिए भी उनको पता नहीं 4-4, 5-5, 6-6 महीने की बात की डेट मिलती है। लोग वहीं फुटपाथ पे सोते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि मतलब हर जगह ये अच्छे इंस्टीट्यूट हों, अच्छे ही कॉलेजेस हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, ताकि लोगों को यहाँ पे ना आना पड़े। प्रियतो जी, जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया MBBS के अंदर, तो पहले साल के अंदर आपको एक कोई एक्सपीरियंस बताइए कि मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। जी जैसे ही मैंने MBBS में एंट्री करी तो मैं तो बहुत वैसे पहले डरा हुआ था कि सबने मेरे को कह रखा था कि इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मेरा साल मतलब चलता चला गया तो फिर मेरे को और मतलब अपना मतलब मजा कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस होने लग गया और मेरे को खुद इंटरेस्ट भी आने लग गया। तो फिर पहले साल में हमारे वही बेसिक तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक एनाटॉमी का होता है, एक फिजियोलॉजी का होता है और एक बायोकेमिस्ट्री का होता है। तो फिर वही हमारे तीन सब्जेक्ट थे और मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट आया और मैं इंजॉय भी करने लगा, तो उसके लिए फिर मेरे को कुछ ऐसा कुछ बर्डन लगा नहीं और मेरे को काफ़ी मतलब बढ़िया लगा। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर बताया जाता है कि पूरी बॉडी का जो चेकअप वेकअप करते हैं, बॉडी को मतलब नए नए स्टूडेंट को बताते हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बॉडी चेक करने का कैसे मौका मिला या क्या ये कहते हैं कि जो एक डेड बॉडी होती है उनके बारे के स्पेयर में क्या क्या है? जी हमारा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, एनाटॉमी तो उसमें क्या होता है कि हमें जो एक ह्यूमन बॉडी है उसके सारे स्ट्रक्चर को जानने का मौका मिलता है। तो उसके लिए हमें एक डेड बॉडी प्रोवाइड की जाती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होती है। तो वो सारे करीब हमारे जो 150 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल साइंस में, तो हर 20 बच्चे के पास एक बॉडी होती है, तो उनके लिए अलग टीचर होते हैं, तो उन्हें पूरा बताया जाता है उस बॉडी के बारे में, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के पार्ट्स हैं वो उन सब के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और वो डाइसेक्ट करके जैसे भी है अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है एनाटॉमी के अंदर। तो अच्छा, जैसे बॉडी आई थी आपके पास में, जब बॉडी को देखा तो एक मन के अंदर एक घृणा होती है, एक डर सा लगता है कि उस बॉडी को देख के कि एक डरावनापन सा होता है, वो कैसा महसूस किया उस समय? जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जैसे भी पहले कोई आदमी जाएगा जिसने कभी डेड बॉडी ना दे दी हो तो उसके लिए फर्स्ट टाइम में तो हाँ कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में भी खुद एक दो बच्चे खुद बेहोश होकर गिर गए थे बॉडी को देख के। तो मतलब ये तो किसी आम तौर पे किसी भी आदमी के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती डेड बॉडी को देखना। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम रोज़ उनसे मतलब हम रोज़ उनके पास जाते हैं, मतलब डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद फिर सब नॉर्मल सा लगने लग जाता है। तो फिर उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होती, बस वो स्टार्टिंग के एक दो दिनों में थोड़ा तकलीफ सी होती है लेकिन फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। और सेकंड ईयर के अंदर? सेकंड ईयर के अंदर हमारे जो हैं चार सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है फॉरेंसिक मेडिसिन होता है, एक पैथोलॉजी होता है। फॉरेंसिक का मतलब समझे कि एक मोर्चरी डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। हाँ जी जी, जितने भी ये आपके मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, जैसे कोई सस्पिशियस डेथ हो गई या कोई सुसाइड हो गया या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो जितने भी ऐसे केसेस होते हैं तो उनमें ये क्या कहते हैं मोर्चरी में वो क्या पोस्टमार्टम के लिए ये फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन होती है, तो वहाँ उनको पोस्टमार्टम किया जाता है, तो इसके लिए ये फॉरेंसिक मेडिसिन होती है। और फिर बाद में हमारे एक पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है, एक माइक्रोबायोलॉजी होता है और एक फार्माकोलॉजी होता है। सेकेंड ईयर में ये हमारे चार सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर? थर्ड ईयर में हमारे तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक ENT होता है, एक ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट का, ओटोराइनो लैरिंगो
टेक्नोलॉजी और एक होता है कम्युनिटी मेडिसिन, तो ये हमारे बेसिकली तीन सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर में। और फोर्थ ईयर आपका चल रहा है इस समय, ये लास्ट हो चुका है? हाँ, अभी मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है, अभी तो फिलहाल मैं फोर्थ ईयर में हूँ। अभी मैंने एग्जाम थर्ड ईयर के अभी एग्जाम पास करे हैं, अभी दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो पास कर लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर आपकी परसेंटेज कैसी रही? परसेंटेज तो मेरी सही रही और मैंने तीनों ही ईयर अच्छे परसेंटेज से पास किए हैं। जैसे भी MBBS में जिस रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड चीज होती है मैंने अच्छे मार्क्स से ही पास किए हैं। और मतलब अब आप जो फिफ्थ ईयर में जा रहे हैं? जी अभी फोर्थ ईयर है मेरा। फोर्थ ईयर के बाद एक्चुअली हमारी एक साल की इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप करने के बाद फिर हमें MCA के थ्रू डिग्री मिलती है। तो अच्छे, जैसे कि अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको डॉक्टर कब कहा जाएगा? डॉक्टर जब हम अपनी एक साल की इंटर्नशिप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें डिग्री मिलती है, तब हम डॉक्टर के लेवल लगा सकते हैं। तो जी आपने MBBS का अभी कोर्स कर रहे हैं, आप जैसे आजकल के जो लड़के हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते, अगर बाय द वे आपको ग्रामीण क्षेत्र मिलता है तो उस समय आप क्या पोजीशन रहेगी, आप ग्रामीण में जाना पसंद करेंगे या नहीं? जी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहूं या एक शहरी क्षेत्र में रहूं, मुझे बस लोगों की मदद करने से मतलब है, तो मतलब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए, मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूं, बस मेरे लिए यही मोटिव है। मतलब आप ये कोर्स करने के बाद में और आगे एम्स क्या है आपका? एम तो अभी जैसे मैं MBBS कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद मेरा आगे फिर हमें एक PG भी करनी पड़ती है, किसी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है किसी सब्जेक्ट में। तो अभी तो फिलहाल मेरा मोटिव यही है कि मैं आगे चल के सर्जन बनूं, तो मैं सर्जन बनना चाहता हूं। सर्जन तक ही आपके एम है, लेकिन आप लोगों को, जैसे कि आप सर्जन बन गए और आप कुछ ही लोगों का भला करेंगे, लेकिन अगर आप किसी सिविल लाइन में या सिविल उसमें जाएंगे तो उसमें और लोगों का भला करेंगे, समाज का भला होगा सिविल सर्विस वगैरह में? देखिए मतलब समाज को मतलब हर किस्म के लोगों की जरूरत होती है, है ना, और हर एक आदमी सारे समाज की सारी दिक्कतों को पूरा नहीं कर सकता, तो जो जिस आदमी के हाथ में जितनी चीज़ें हों वो उतना ही कर ले, वो ही बहुत है। जैसे अगर मैं सर्जन बन जाता हूँ और अगर मैं किसी गरीब आदमी के काम आ सकूँ, उसकी मदद कर सकूँ, उसका कोई ऑपरेशन कर सकूँ, जैसे ये गॉल ब्लैडर के जो ऑपरेशन होते हैं कोलेसिस्टेक्टमी, वो भी मतलब लोगों से काफ़ी पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं जबकि इतना महंगा वो होता नहीं है, तो फिर वो भी अगर मैं लोगों के मतलब बेसिक उनको मतलब जितना भी कम हो सके वो उतनी ही मदद कर सकूँ, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा। और प्रिया, तो ये परिवार का एक क्या स्टेटस है? परिवार का क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं। परिवार के स्टेटस, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं परिवार के अंदर, ये मतलब? तो मेरे फादर बेसिकली गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो हिंदी के टीचर हैं, और मेरी मदर हाउस वाइफ हैं, तो यही है मतलब। वैसे मेरे परिवार की तरफ से कि आपको पूरा सहयोग मिल रहा है या मतलब कभी रुकावटें भी आई है? नहीं, परिवार की तरफ से मेरे को बचपन से ही सपोर्ट मिला है और हर तरीके से सपोर्ट मिला है, फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली सब तरीके, इमोशनली सब तरीके से मेरे को मेरे पेरेंट्स ने शुरू से लेके अभी तक भी मेरे को मदद करते हैं। और कहीं भी जैसे अगर मेरे को कुछ भी जैसे बुक्स वुक्स लेनी है या फिर कहीं कोचिंग लेनी है, पहले लेनी थी तो उन्होंने मेरे को हमेशा कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, और यहाँ तक कि मेरे उस पर भी कुछ वो नहीं करा। जैसे कभी कभार जैसे पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों के मार्क्स कम आने लग जाते हैं, तो अगर मेरे कभी मार्क्स कम आते भी थे तब भी मेरे को कभी ऐसा नहीं कहा था कि मतलब आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, फिर पढ़ाई कर लो ये कर लो, तो मेरे को कभी ऐसा प्रेशर फील ही नहीं होने दिया मतलब। तो मैं इस बात के लिए काफ़ी मतलब थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का कि मतलब हमेशा मेरे को हर चीज़ में हर तरीके से सपोर्ट करा। प्रिया, तो जी अभी बच्चों अभी स्टूडेंट के 10th की और 12th की परीक्षाएं चल रही हैं, तो आप उन स्टूडेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूंगा कि देखिए अभी आपने जैसे भी पढ़ाई करी है उसको मतलब वैसे ही पढ़ें, बस उसमें थोड़ा हार्ड वर्क लगाएं। मतलब आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो फिर आपको मतलब आपका जो गोल है वो अचीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप मतलब जिस भी फील्ड में जाएँ आप उस काम में अपना 100% दें, अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आपको उस काम करने में कुछ मतलब नहीं बनता है। तो मतलब
ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रेशर लेके कुछ काम करना है, आपको जो भी चीज़ आपको पसंद है वो करें, आपको जिस फील्ड में भी जाना है वहाँ जाएं, लेकिन जहाँ भी जाएं आप अपना 100% दें। तो यही मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि मतलब जो भी काम करें वो मन से करें, और अभी उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अभी मैं यही कहूँगा कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और बहुत आराम से हो जाता है जो भी होता है। वैसे आप थोड़ा मतलब अभी एग्ज़ाम में थोड़ा आराम से रेगुलरली पढ़ लें, 4-5 आवर्स भी अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा डेडिकेशन के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। अगर आप 5 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं और अगर तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ इसके बदले कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं लगा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा जो भी करें आप डेडिकेशन के साथ करें तो सब कुछ सही होगा।